22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देश भर में काफी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश के कोने कोने से राम भक्तों की टोली अयोध्या पहुंच रही है। ऐसे ही राम भक्तों की टोली तेलंगाना से साइकिल चलाकर अयोध्या पहुंची है। बता दें कि तेलंगाना से आए राम भक्त अपने साथ जय श्री राम लिखी एक चांदी की ईंट भी लाए हैं। श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर जहां बन रहा है उसी धरती पर हम मौजूद हैं और यहां पर तमाम राम भक्त अलग अलग तरह की तपस्या साधना करके अयोध्या तक चले आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ राम भक्त हैं जो हाथ में चांदी की ईंट लेकर तेलंगाना यानी कि भाग्य नगर से जो है साइकिल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए श्री धर्मस्थना सानिध्यम जो है ये भाग्य नगर तेलंगाना स्टेट से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की साइकिल यात्रा जो है इन्होंने की। और ये तस्वीर में आप देखिए सभी वो लोग हैं जो साइकिल से चले आ रहे हैं और ये राम भक्ति ही है जो इन लोगों को ये शक्ति प्रदान करती है कि साइकिल से कोई भाग्यनगर यानी कि तेलंगाना स्टेट से श्री राम जन्मभूमि तक पहुंच जाए। हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि चांदी की ईंट आपको हाथ में लिए हुए दिख रहे होंगे जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, उनसे ही हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का और कब चले थे आप लोग? अतीश कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। जय श्री राम। हम लोग दिसंबर 17 के दिन निकले थे 6 बजे। कल रात में हम गुरुजी के आश्रम पहुंचे हैं, अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रेरणा थी जो आप लोग इतनी दूर तक चले आए, क्या सोचा था मन में? राम सेतु की प्रेरणा थी साहब, ये उससे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। और एक ईंट, एक कंकर जो शंकर का नाम है, ये एक पत्थर से जो पहाड़ बन सकता है, तो हम लोग एक ईंट लगा के यहाँ पे मंदिर का निर्माण। ईंट की क्या खासियत है इसके बारे में बताएं? ईंट की खासियत यह है कि इस पे जय श्री राम लिखे हुए और दूसरा कुछ नहीं। कितने वजन का है ये? वजन नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं बता सकते। तो ये चांदी निर्मित है पूरा? जी हाँ, चांदी निर्मित। तो आप लोग कितने लोग चले थे? 10 लोग निकले थे हम लोग भाग्यनगर से। तो आप लोग को रास्ते में किसी तरह की कष्ट परेशानी भी या फिर राम का नाम जपते हुए यहाँ तक पहुँच गए? कष्ट तो कुछ भी ना, सिर्फ जय श्री राम के नारे से जितना अभिनंदन किया है लोगों ने तो उससे हमें कुछ तक कष्ट नहीं हुआ। हम लोग यहाँ लोगों ने स्वागत किया होगा आप लोग? जय श्री राम के नारों से स्वागत करके वही उस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, महाराज जी क्या कहेंगे इस पूरे? निश्चित तौर पर जब से राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य चालू हुआ है तभी से पूरे देश में, क्योंकि भगवान राम तो जन जन के हैं, सभी के हैं, तो सब लोग अपनी अपने तरीके से लोग आ रहे हैं। और जैसी जिसकी श्रद्धा होती, कुछ लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अयोध्या जैसे भगवान का राज्याभिषेक वो छवि थी, तमाम देवता ऋषि मुनि एक साथ आते थे, तमाम भक्त लोग आते थे, वैसा ही एक छवि बनी हुई है। छवि बनी और भी कुछ राम भक्त हैं साइकिल चले आए। क्या नाम है आपका? के शिव कुमार है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए कि काफी मेहनत आप लोगों ने की है, कैसे ऊर्जा मिलती थी आप लोगों को? बहुत से अच्छा है स्वामी। कैसी शक्ति मिलती थी आप लोगों को यहाँ तक, स्ट्रेंथ कैसे मिली आप लोगों को यहाँ तक आने? राम का नाम से। राम के नाम से। तो ये सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग तेलुगु भाषी हैं, हिंदी भी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो कॉमन है, वो है भगवान राम का नाम। और उसी राम के नाम को जपते जपते ये सभी राम भक्त जो हैं साइकिल यात्रा करते हुए अपनी चांदी की ईंट भेंट करने के लिए भगवान राम के दरबार में भगवान राम जन्मभूमि तक फिलहाल चले आए हैं। बता दें कि राम नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। टाइम्स नवनव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।